सेरोसोटाइटिस मीडिया का सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे। तो हमने मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ सेरोसोटाइटिस मीडिया में देखा था कि पहले तो हम एडिनोइटेक्टोमी करते हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं उसका सेरोसोटाइटिस मीडिया का, जिससे कि चाइल्ड की स्पीच अफेक्टेड ना हो उसके कारण। और दूसरी चीज़ हम क्या करेंगे ये हम देखते हैं। तो हमको फ्लूइड को भी रिमूव करना होता है, क्योंकि एडिनोइडेक्टोमी के बाद सडनली यूस्टेशियन ट्यूब फंक्शन करना स्टार्ट नहीं कर देता है, उसको 3 से 6 महीने लगते हैं फंक्शन करने के लिए नॉर्मली, और इसलिए हमें फ्लूइड भी रिमूव करना होता है जिससे कि चाइल्ड नॉर्मली हियर कर सके तुरंत ही, 3 से 6 महीने ना लगे उसे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की ओपनिंग बनाते हैं, और अदर वॉल्स ऑफ मिडिल ईयर जो है बोनी होती है, इसलिए हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में ही ओपनिंग बनाते हैं। मिडिल ईयर में हम कैसे पहुँचेंगे, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के थ्रू ही हम इजीली पहुँच सकते हैं, बाकी वॉल्स तो उसकी बोनी होती है। तो अगर हम इंसिजन देते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में फ्लूइड ड्रेनेज के बाद, तो यूस्टेशियन ट्यूब को टाइम लगता है फंक्शन करने के लिए, और इसलिए उस टाइम में वो फ्लूइड फिर से कलेक्ट हो जाता है। अगर हम फ्लूइड को उस टाइम पे ड्रेन कर भी देते हैं तो फिर से फ्लूइड कलेक्ट हो जाएगा, और यूस्टेशियन ट्यूब क्योंकि फंक्शन तो कर नहीं रहा है तो 3 से 6 महीने उसको लगेंगे फंक्शन करने के लिए, तब तक तो फ्लूइड फिर से कलेक्ट हो जाएगा ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक और चीज़ करते हैं उसके साथ, दैट इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब। यूस्टेशियन ट्यूब का रिप्लेसमेंट करते हैं, वो किससे करते हैं, एक ट्यूब से जो कि ड्रेन करता है और वेंटिलेट करता है मिडिल ईयर को, मतलब यूस्टेशियन ट्यूब का जो भी फंक्शन है दैट इज़ ड्रेनेज एंड वेंटिलेशन, वो फंक्शन एक ट्यूब कर देता है, दैट इज़ कॉल्ड वेंटिलेशन ट्यूब। और इसलिए आफ्टर 3 मंथ्स जो सर्जिकल मैनेजमेंट होता है वो उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, एडिनोइडेक्टोमी इन्वॉल्व होता है, मैरिंजोटॉमी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में ओपनिंग बनाया हमने, फ्लूइड को ड्रेन कर दिया मैरिंजोटॉमी से, एडिनोइडेक्टोमी से क्या किया उसको रिमूव कर दिया ब्लॉकेज को, और प्लस ग्रोमेट हमने इंसर्ट किया, दैट इज़ वेंटिलेशन ट्यूब पुट ऑन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, यूस्टेशियन ट्यूब को रिप्लेस कर दिया जिससे कि फ्लूइड फिर से कलेक्ट ना हो। तो ये 3 चीज़ें करते हैं हम मेडिकल मैनेजमेंट में, एडिनोइडेक्टोमी, मेनिंजोटॉमी प्लस ग्रोमेट इंसर्शन। तो इंसिजन यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में देते हैं, वो रेडियल इंसिजन होता है एंटेरो इन्फीरियर क्वाड्रेंट में। एक्यूटोटाइटिस मीडिया में हम क्या कर रहे थे, पोस्टेरो इन्फीरियर और जे शेप इंसिजन दे रहे थे, क्योंकि ज़्यादा एसेसिबल होता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से पोस्टेरो इन्फीरियर वाला, और ओपीडी प्रोसीजर था वहाँ पे आउट पेशेंट वाला। नाउ सेरोसोटाइटिस मीडिया में यूस्टेशियन ट्यूब किस पे है, एंटीरियर वॉल पे है, इसलिए वेंटिलेशन ट्यूब हमें कहाँ डालना है, एंटेरो इन्फीरियर में डालना है, जिससे कि वो उसको रिप्लेस कर सके अच्छे से, मतलब जहाँ पे यूस्टेशियन ट्यूब फंक्शन कर रहा है एग्जैक्टली हम उसी जगह पर उसके रिप्लेसमेंट वाली थिंग को भी डालेंगे, जो भी ट्यूब है उसको, तभी वो ज़्यादा अच्छे से फंक्शन कर पाएगा, इसलिए हम एंटेरो इन्फीरियर क्वाड्रेंट में डालते हैं। और रेडियल इंसिजन क्यों देते हैं, क्योंकि फाइबर्स जो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के वो रेडियल होते हैं, इसलिए अगर रेडियल इंसिजन हम देते हैं तो वो एडजस्ट हो जाएगा अच्छे से, बैक पीछे चले जाएगा और होल्ड करेगा वो ग्रोमेट को, रेडियल जो फाइबर्स हैं वो, और टाइटली होल्ड करे रहेंगे उसको, क्योंकि आगे पीछे से वो उस पर अटैच हो जाएंगे ना, और अदरवाइज ग्रोमेट जो है इंट्रूडेड हो जाएगा या एक्सट्रूडेड हो जाएगा, अगर हम उसको रेडियली पुट नहीं करते तो उसके चांसेस ज़्यादा है कि इंट्रूड या एक्सट्रूड हो जाए वो। नाउ एक क्वेश्चन है, क्या हमें ग्रोमेट को रिमूव करना होता है या फिर वो अपने आप ही बाहर आ जाता है, तो वो एक्सट्रूड हो जाता है अपने आप ही 6 मंथ्स में, और उसको बोलते हैं हम शॉर्ट टर्म ग्रोमेट मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं, और उसका और भी नाम है, अलग अलग टाइप के ग्रोमेट्स होते हैं, शेफर्स ग्रोमेट, एंडोनाइलसिस ग्रोमेट, बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर, वो कभी नहीं पूछा जाता, हमको बस ये याद करना है कि शॉर्ट टर्म ग्रोमेट मोस्टली यूज़ किया जाता है, वो 6 मंथ्स तक रहता है, पर पेशेंट को हमें फिर भी बोलना होता है कि 6 महीने बाद वो आ जाए, जिससे कि हम कन्फर्म कर सकें कि ग्रोमेट रिमूव हुआ है या नहीं। और टाइप्स ऑफ ट्यूब्स कौन कौन से होते हैं, ये अलग अलग नाम है उसके, वो हम नहीं देखेंगे, बस हम ये देखेंगे कि जिनमें प्रोजेक्शंस होते हैं ना जो ट्यूब्स में, वो मिड स्टे ग्रोमेट होते हैं और वो 6 मंथ्स to 2 years तक स्टे करते हैं, और एक लॉन्ग टर्म ग्रोमेट भी होता है, दैट इज़ टी ट्यूब टाइप, वट एवर द नेम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, और लॉन्ग टर्म ग्रोमेट जो है ना वो ग्रेटर देन 2 years तक स्टे करता है, और मोस्टली ये यूज़ किया जाता है एटेलेक्टेसिस में, अगर कोई पर्सन एटेलेक्टेसिस वाला है, यानी कि क्या कि मिडिल ईयर का जो स्पेस है उसका वो ऑब्स्ट्रूड हो गया है, मीन्स वो नहीं रहा है, ऑब्लिट्रेट हो गया है,
जब वो प्रोमेंट्री को टच करता है ना, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, तो उस कंडीशन को एटेलेक्टेसिस बोलते हैं। तो एटेलेक्टेसिस और एडहेसिव ओटाइटिस मीडिया में यूज़ होता है, जहाँ पे यूस्टेशियन ट्यूब क्रॉनिकली ऑब्स्ट्रक्टेड रहता है, लंबे समय से ऑब्स्ट्रक्टेड रहता है। नाउ मेरिंजियोटॉमी किसमें नहीं की जाती है कभी, किस जगह पे? पोस्टेरो सुपीरियर क्वाड्रेंट ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में हम कभी नहीं करते। एंटेरो सुपीरियर क्वाड्रेंट में इंसिजन दिया जाता है। जब फ्लूइड बहुत थिक होता है ना, तब एंटेरो सुपीरियर क्वाड्रेंट में इंसिजन दिया जाता है, क्योंकि एयर जाती है अपर इंसिजन के थ्रू और वो फ्लूइड को पुश करती है लोअर इंसिजन के थ्रू, इसलिए अपर इंसिजन लोअर साइड के थ्रू वो पुश करती है। लोअर साइड में इंसिजन नहीं दिया जाता है बल्कि पुश होता है, वो बियर कैन टेक्निक बोलते हैं इसको, जैसे कि बियर कैन में होता है ना, वो सेम फिनोमेना यहाँ पे यूज़ होता है। हम देखते हैं बैरोट्रामा को। बैरोट्रामा क्या होता है? ट्रामा होता है प्रेशर के कारण, ये अफेक्ट कर सकते हैं कोई भी पार्ट ऑफ बॉडी को जिसमें एयर कंटेनिंग हो, एयर कंटेनिंग जो भी पार्ट है उसको। तो जब एक्सटर्नल प्रेशर चेंज होता है तो वो प्रेशर चेंज ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है अकॉर्डिंगली फ्लूइड कंपार्टमेंट्स में, इसलिए वहाँ पे बैरोट्रामा नहीं होता है। लेकिन एयर फिल्ड कंपार्टमेंट्स जो है वहाँ पे इक्वल प्रेशर की एयर चाहिए होती है, मतलब दी जानी चाहिए होती है, जिससे कि दोनों तरफ का प्रेशर मेंटेन हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर बैरोट्रामा हो जाता है। और बैरोट्रामा असेंट के दौरान कब होता है, मतलब फ्लाइट अगर जा रही है, असेंट हो रही है, तो उस समय पर बैरोट्रामा होता है। तो एसेंट के दौरान जो पैराट्रामा है ना, वो किस किस कंडीशन में हो सकता है? जब हम एयरप्लेन में ऊपर फ्लाई कर रहे हैं या डाइवर सरफेस पे आता है, तब भी वो पैराट्रामा ड्यूरिंग असेंट ही कहलाएगा। तो उस समय पे क्या होता है कि प्रेशर जो बाहर होता है ना, वो लेस देन एयर कैविटी होता है। तो ईयर कैनाल में प्रेशर कम हो जाता है, इनर ईयर में भी प्रेशर कम हो जाता है, यूस्टेशियन ट्यूब में भी कम हो जाता है, सारी ब्लड वेसल्स जो है मिडिल ईयर म्यूकोसा की, उसमें भी प्रेशर कम हो जाता है। लेकिन मिडिल ईयर में रिलेटिवली प्रेशर ज़्यादा रहता है देन सराउंडिंग। और जब ये डिफरेंस 50 mm ऑफ वाटर से ज़्यादा हो जाता है, तो यूस्टेशियन ट्यूब ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है और आउटर ईयर जो है मिडिल ईयर में आ जाती है, क्योंकि मिडिल ईयर का प्रेशर ज़्यादा है तो यूस्टेशियन ट्यूब ओपन हो जाता है। लेकिन अगर यूस्टेशियन ट्यूब ब्लॉक्ड है तो मिडिल ईयर का प्रेशर पॉजिटिव ही रहेगा, ज़्यादा ही रहेगा, और प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है बल्ज होने स्टार्ट हो जाती है और रप्चर हो जाती है, क्योंकि मिडिल ईयर का प्रेशर बढ़ रहा है ना, और ऑसिकुलर डैमेज भी हो सकता है, ऑसिकुलर चेन डिसलॉज हो सकती है। ठीक है, अगर यूस्टेशियन ट्यूब ब्लॉक है तो उस केस में होगा, वरना ऐसे कुछ बैरोट्रामा नहीं होता है असेंट के दौरान, क्योंकि यूस्टेशियन ट्यूब ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। तो मोर फॉर्मली जो ट्रॉमा होता है ना, वो डिसेंट के दौरान होता है। तो डिसेंट के दौरान क्या होता है कि बाहर का प्रेशर ज़्यादा है, तो ईयर कैनाल यूस्टेशियन ट्यूब ब्लड वेसल्स का प्रेशर तो पॉजिटिव हो गया, मिडिल ईयर का प्रेशर नेगेटिव है। तो अब इस प्रेशर को आउटसाइड की तरह लाना है, मतलब पॉजिटिव करना है, तो हम कैसे करते हैं? च्यूइंग से करते हैं, स्वालोइंग से करते हैं, या वेलसेल्वा से करते हैं। तो एक्टिवली हम ओपन करते हैं यूस्टेशियन ट्यूब को, जैसे कि यूस्टेशियन ट्यूब से एयर जाए मिडिल ईयर में। तो अगर सडन प्रेशर चेंज होता है, कोई टाइम नहीं होता है ऑटो इन्फ्लेशन के लिए, वैसे तो डिसेंट के दौरान अगर वेलसेल्वा हमने कर लिया तो कोई बैरोट्रामा नहीं होगा। लेकिन अगर सडन प्रेशर चेंज हो रहा है और ऑटो इन्फ्लेशन का टाइम हमें नहीं मिला, या हम स्लीपिंग पोजिशन में हैं और हम एक्टिव नहीं हैं, तो वेलसेल्वा हमने नहीं किया, तो उस केस में क्या होगा कि अगर 90 mm ऑफ वाटर से ज़्यादा का डिफरेंस आता है, यानी नेसोफेरिंक्स में प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, मिडिल ईयर में कम है, और प्रेशर डिफरेंस बिटवीन आउटसाइड और ज़्यादा हो गया है 90 mm से आउटसाइड एंड मिडिल ईयर के बीच में, तो सारी मसल्स जो है ना यूस्टेशियन ट्यूब की, वो एक्टिवली ओपनिंग में पुश अप हो जाती है और यूस्टेशियन ट्यूब ब्लॉक हो जाता है, तो प्रेशर इंक्रीज्ड हो जाता है। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में भी प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इनसाइड पुश होती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इनसाइड पुश होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर पुश होगी ना, तो उसके रप्चर होने के भी चांसेस रहते हैं। और राउंड विंडो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अगर इनसाइड पुश हो रही, तो राउंड विंडो आउटसाइड पुश होगी अपोजिट डायरेक्शन में, और ओवल विंडो तो इनसाइड ही पुल होगी जो भी। तो जितना ज़्यादा हम वेल्सेल्वा करेंगे ना, तो ब्रेन प्रेशर उतना ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर, फिर इनर ईयर प्रेशर भी इंक्रीज़ होता है, कि वो इनसाइड पुश हो रही है ना।
उस केस में अगर प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा है 90 mm ऑफ वाटर से, तो अल्टीमेटली क्या होता है, राउंड विंडो रप्चर हो जाती है, राउंड विंडो बहुत ज़्यादा पुश होती है आउटसाइड ज़्यादा से ज़्यादा, और राउंड विंडो अल्टीमेटली रप्चर हो जाती है, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी रप्चर हो जाती है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के ज़्यादा प्रेशर के कारण। तो ये दोनों साइंस आते हैं, और ब्लड वेजल्स का भी प्रेशर इंक्रीज हो गया रहता है तो उससे हीमोटिम्पैनम भी हो जाता है, ब्लड वेजल्स जो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की वो रप्चर हो जाती है और ब्लड आ जाता है, मिडिल ईयर में भी ब्लड आ जाता है, और ये इरिवर्सिबल डैमेज होता है, बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। तो इसका प्रिवेंशन क्या है कि इन केस ऑफ इन्फेक्शन हम फ्लाई ना करें, यूस्टेशियन ट्यूब जब ब्लॉक है तो उस केस में भी फ्लाई ना करें, और हमें एक्टिव रहना चाहिए ड्यूरिंग डिसेंट, वेल सर्वा करना चाहिए। तो अगर केस ऑफ इन्फेक्शन है तो हमें उसे पहले ट्रीट करना है, उसके बाद ही फ्लाई फ्लाइट में जाना है। तो ट्रीटमेंट क्या है, अगर डैमेज हुआ है फ्लाइट डिसेंट के कारण, अगर फिर भी ऐसा कोई पेशेंट आ रहा है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, हमें डीकंजेशंस देना है उसको, एक्टिव वेल्सलवा करने का बोलना है, एक्टिवली ओपन करें जिससे कि वो यूस्टेशियन ट्यूब को, और मायरिंजियोटॉमी करना है अगर फिर भी रिग्रेस नहीं होता है तो, जिससे कि हम फ्लूइड को ड्रेन कर सकें। तो ये हमने सेरोसोटाइरिस मीडिया के बारे में देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।